एवरीवन, दिस इज़ बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ लिनसीड। आज हम लिनसीड की कल्टीवेशन को देखेंगे। इसके कुछ इंट्रोडक्शंस को देखते हैं, जैसे कि लिनसीड का बॉटनिकल नेम होता है लाइनम यूसीटेटिसिनम, एंड ये लाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका जीनस जो है लाइनम है। एंड इसके 100 स्पीसीज़ है, जिसमें कल्टीवेटेड स्पीसीज़ जो है वो लाइनम यूसीटेटिसिनम है, और 5 वाइल्ड स्पीसीज़ भी पाए जाते हैं इसके, जैसे कि लाइनम पिरेंस एंड लाइनम स्ट्रिक्टम एंड लाइनम माइशोरेंस एंड लाइनम एंगुस्ट्रिफोलियम एंड लाइनम ग्रांटीफोलियम। ये सारे जो है इसके वाइल्ड स्पीसीज़ हैं। एंड लिनसीड जो है वो ऑयल का काफ़ी या रिसोर्सेस है। एंड लिनसीड जो है एनुअल और हार्बेसियस प्लांट होता है, जिसका जो प्लांट हाइट होता है वो 30 to 120 सेंटीमीटर तक होता है। एंड इसकी जो ओरिजिन है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, और इसके जो सीट होते हैं उसमें 33 to 44% ऑयल पाया जाता है, एंड 20.3% प्रोटीन एंड 4.8% फाइबर पाया जाता है इससे। और काफ़ी जगहों में इसको उगाया जाता है, जैसे कि वर्ल्ड में इंडिया, अफ़गानिस्तान, टर्की, यहाँ पे। और वैसे ही जैसे कि इटली, स्पेन एंड सीजन को देखते हैं। सो लिनसीड जो है कूल सीजन, रबी सीजन की क्रॉप है, जिसके लिए जो टेम्परेचर या क्लाइमेट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कूल क्लाइमेट कंडीशन इसके लिए जो है इसके ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है। एंड मिनिमम टेम्परेचर जो रेंज है वो 10 सेल्सियस टेम्परेचर, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इसके ग्रोथ के लिए वो 38 सेल्सियस टेम्परेचर सूटेबल होता है। एंड इसको जो है इसका जो सोइंग जो किया जाता है लिनसीड का, वो अक्टूबर टू नवंबर में करते हैं। एंड साथ ही साथ जो है डिपेंड करता है कि सॉइल में मॉइस्चर कितना है उस कंडीशन में, इसकी उस पर डिपेंड करता है। उस सॉइल मॉइस्चर कंडीशन को देखते हुए हम अक्टूबर टू नवंबर में इसकी सोइंग कर सकते हैं। एंड यदि अर्ली सोइंग करते हैं तो क्रॉप जो है में पॉडरी मिल्डू का अटैक, पॉडरी मिल्डू एंड रस्ट का अटैक जो है ज़्यादातर होता है। ये लिनसीड की जो क्रॉप है वो 120 to 140 डेज में मैच्योर हो जाती है, फिर हम उसको जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। एंड लिनसीड के जर्मिनेशन के लिए जो है जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, या जितनी टेम्परेचर की नीड होती है, वो 25 to 30 सेल्सियस टेम्परेचर है। एंड उसके जो है वेजिटेटिव फेस के जो ग्रोथ के लिए है, और उसके लिए जो 15 to 20 सेल्सियस जो है टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है। और इसके लिए जो है एनुअल जो रेनफॉल है वो 700 to 750 mm ऑप्टिमम एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल को। सो लिनसीड के लिए कूल सीजन की क्रॉप है ये। इसके लिए जो है मॉडरेट टू कूल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है। एंड सॉइल को देखा जाए तो ये अच्छी प्रकार से जो है वेल ड्रेनेज एंड फर्टिलाइज सॉइल
मीडियम टू हैवी सॉइल स्पेसी और सिल्टी लोम, क्ले लोम, सिल्टी क्ले, इन सब सॉइल में जो है इसका जो ग्रोथ है वो बेस्ट होता है। और साथ ही साथ जो ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए इस प्रकार की सॉइल में, सो इसके लिए बेस्ट होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं वैरायटी को। सो लिनसीड की जो है वैरायटी है इंडिया में, लिनसीड की दो वैरायटी है, जैसे पेनिशुलर टाइप्स, दो टाइप के टाइप हैं वैरायटी के। सो पहला जो है पेनिशुलर टाइप, एंड ये जो है डीप रूट सिस्टम होता है इसका, और एंड वैरायटी को देखते हैं। सो इसमें के टू और टी 397 नंबर 55 एंड पी एंड 9 S4 जवाहर 17 जवाहर 7 M10 मयूर भजन LC 185 हीरा मुक्ता नीलूम B67 BS44 ये सारे लिनसीड की वैरायटी हैं। एंड लैंड प्रिपरेशन को देखते हैं। सो इसके लिए जो है लैंड प्रिपरेशन के लिए जो है सीड के जर्मिनेशन के लिए और प्लांट के ग्रोथ के लिए जो है आवश्यक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यकता पड़ती है कि हम अच्छे प्रकार से लैंड का प्रिपरेशन करें, ताकि जो है भूमि अच्छे प्रकार से जो है सीड की सोइंग के लिए जो है प्रिपेयर्ड हो जाए, तैयार हो जाए। इसलिए सो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, अच्छी प्रकार से प्लाविंग करेंगे और प्लाविंग करेंगे जैसे ही जो है राइस की फसल जो है हार्वेस्ट होती है उसके बाद जो अच्छी प्रकार से मिट्टी पलटने वाले हल से हल 2 से 3 बार जो है इसमें जुताई करेंगे, प्लाविंग करेंगे, फिर हैरो चलाएंगे। हैरो चलाने के बाद जो है हम सीड बेड तैयार कर सकते हैं, और चाहे तो हम जो है उसमें प्लाविंग करने के बाद, जुताई करने के बाद जो है पाटा भी चला सकते हैं, ताकि पाटा चलाने से जो लैंड है जो लेवल पे नहीं रहता है वो लेवल पे हो जाता है, समतल हो जाता है और अच्छे से हो जाता है, जिससे जो है सॉइल में मॉइस्चर का कंजर्वेशन अच्छे प्रकार से जो है बनने लगता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सीड एंड सोइंग। सो लाइन सोइंग इसके लिए जो है आइडियल रहता है, बेस्ट रहता है लाइन सोइंग जो है, जिसके लिए जो है ऑप्टिमम स्पेसिंग जो रखते हैं वो 20-30 सेंटीमीटर रखते हैं रो टू रो, एंड 10 सेंटीमीटर जो है प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रखा जाता है लाइन सोइंग के लिए। एंड ड्रिलिंग सोइंग भी यूज़ करते हैं, जिसके लिए जो है ड्रिलिंग के थ्रू जो है लाइन सोइंग कर सकते हैं, जिसके लिए जो सीड की रिक्वायर्ड होती है वो 20-30 kg पर हेक्टेयर की होती है, वो डिपेंड करता है सीड के साइज पे। और जो और जो डेप में लगाते हैं वो 3-4 सेंटीमीटर डेप में या 3-5 सेंटीमीटर के डेप में हम इसको लगा सकते हैं। एंड ब्रॉडकास्टिंग से भी, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से भी सीड की सोइंग कर सकते हैं, एंड पैरा या उतेरा क्रॉपिंग भी ले सकते हैं पैडी के साथ। ब्रॉडकास्टिंग मेथड से यदि सीड की सोइंग करना है तो उसके लिए जो है 40 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायर्ड होती है, और 40 kg पर हेक्टेयर सीड
की रिक्वायर्ड होती है, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से 40 kg सीड लेते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन को। सो इसके लिए जो है रिकमेंडेड डोज जो होता है फर्टिलाइज़र का वो 30 kg नाइट्रोजन एंड 15 kg फास्फोरस की रिक्वायर्ड होती है। एंड FIM जो देंगे वो 5 टन FIM या कंपोस्ट पर हेक्टेयर देंगे। अच्छी प्रकार से फील्ड प्रिपरेशन के टाइम स्प्रेड कर देंगे, मिला देंगे अच्छे प्रकार से फील्ड में ताकि वो मिल सके इस प्रकार से। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं प्लान प्रोटेक्शन को। सो इसमें टर्माइंट, कटवार्म और सेमी लूपर, लीप माइनर, बटफ्लाई, ग्राम पॉट बोरर और ये सारे जो है इसमें इंसेक्ट का अटैक होता है पेस्ट का। वैसे डिजीज़ जो इसमें विल्ट लगता है, अल्टरनेलिया ब्लाइट लगता है और पॉडरी मिल्डू का इसमें अटैक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल मेजर्स के लिए। इसके लिए जो अच्छे प्रकार से फ्लावरिंग करेंगे एंड ताकि जो भी इंसेक्ट के एग वेग रहे वो नीचे में दबे हो ऊपर आ जाए और फिर उसके बाद जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए। और सेम फील्ड में जब हम बार बार उसी की कल्टीवेशन करते रहते हैं उसको हमको अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है सेलेक्शन करेंगे सूटेबल वैरायटी का, टॉलरेंट वैरायटी का, पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी का या डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी का हम सेलेक्शन करेंगे। एंड यूज़ करेंगे बटरफ्लाई के कंट्रोल करने के लिए लाइट ट्रैप का यूज़ करेंगे। और बम्बू लगाएंगे, बम्बू का यूज़ करेंगे, वुडन पेच का यूज़ करेंगे। प्रीडेटर्स का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे, जैसे कि बावस्टीन एट द रेट 1.5 ग्राम पर केजी सीड या फिर थायरम एट द रेट 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से, टॉपसिन एम एट द रेट 2.5 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से हम सीड ट्रीटमेंट करके जो है सीड बॉर्न डिजीज़ के लिए जो कि कारगर है हम सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे। एंड टू एप्लीकेशन करेंगे एजा डिरेक्टिन का 300 ppm 300 ppm का एप्लीकेशन करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं वीड मैनेजमेंट के लिए। तो वीड मैनेजमेंट के लिए क्लीन कल्टीवेशन करेंगे। और साथ ही साथ जो है पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन करेंगे वीडी साइड का, जैसे कि आइसोप्रोट्यूरान एट द रेट 1.00 kg पर हेक्टेयर की दर से 30 to 35 days आफ्टर सोइंग के। और होवेवर का एंड 2-4D एट द रेट 0.5 kg पर हेक्टेयर को मिक्स करके हम यूज़ करेंगे आइसोप्रोटीरान के साथ, जो कि ब्रॉड लीप वाली जो वीड्स का जो इसमें अटैक होता है उसके लिए काफ़ी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए काफ़ी कारगर होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर मैनेजमेंट को। सो यील्ड को बढ़ाने के लिए जो है एक या दो इरिगेशन सफिशिएंट होता है, जो कि यदि फर्स्ट इरिगेशन करते हैं तो 35 डेज आफ्टर सोइंग के एंड सेकेंड इरिगेशन 30
सॉरी 75 डेज आफ्टर इरीगेशन के हम कर सकते हैं। यदि लाइट्स वाले उस कंडीशन में 3 to 4 इरीगेशन सफिशियंट होता है, उतनी की नीड होती है इसकी। सो इसके जो है ब्रांचिंग टाइम, फ्लावरिंग टाइम, ग्रेन फिलिंग टाइम, ये जो है क्रिटिकल स्टेज होता है इरीगेशन के लिए। सो इस टाइम ब्रांचिंग टाइम, फर्स्ट इरीगेशन एंड फ्लावरिंग टाइम, सेकेंड एंड थर्ड ग्रेन फिलिंग, तीन इरीगेशन तो करना ही चाहिए क्योंकि ये क्रिटिकल स्टेज होता है वाटर के लिए। सो इस टाइम इरीगेशन देना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं हार्वेस्टिंग एंड यील्ड को। सो सो हार्वेस्टिंग जो है, जब इसके जो कैप्सूल जो होते हैं वो टर्न ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है हार्वेस्टिंग कर देने चाहिए। मतलब लिनसीड जो है वो मार्च के जो है लास्ट में से लेकर अप्रैल के जो है सेकेंड वीक तक जो तैयार हो जाता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है या पक जाता है, जैसे कि स्टेम या कैप्सूल इसके जो है स्टेम पीले पड़ जाए और कैप्सुलर जो है वो सूखने लगे, ठीक है, और पत्तियां जो है जब सूख जाए, थोड़े बहुत झड़ने लगे, उस कंडीशन में इसकी हार्वेस्टिंग जो है सीकल से जो है हंसिया के थ्रू कर देनी चाहिए। काटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद इस क्रॉप को जो है खलिहान में जो है लाकर सुखाना चाहिए और डंडों से पीटकर जो है बीज अलग कर देना चाहिए। मड़ाई की प्रोसेस करनी चाहिए और हवा के द्वारा जो है भूसा सीड से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यील्ड। यदि इरीगेटेड कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो है 800 to 1000 kg पर हेक्टेयर सीड सॉरी यील्ड प्राप्त होता है एंड इरीगेटेड कंडीशन है। रेनफेड कंडीशन में 800 to 1000 एंड इरीगेटेड कंडीशन है तो उस कंडीशन में 1600 से जो है 2000 kg पर हेक्टेयर यील्ड मिलता है। एंड प्रोटेक्टेड इरीगेटेड कंडीशन है, सॉरी प्रोटेक्टिव इरीगेटेड कंडीशन है, उस कंडीशन में जो है 1200 से 1500 kg पर हेक्टेयर यील्ड मिल जाता है। एंड वैसे ही जो स्टोरेज करेंगे, सो स्टोरेज करने के लिए जो है हम अच्छे प्रकार से जो है सुखा देंगे। सुखाने के बाद बीजों को एंड 10 to 12% मॉइस्चर कंटेंट होने के बाद, कम होने के बाद जो है इरिगेशन करनी चाहिए। एंड